नंबर दो, अल्लाह को याद करना। बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, कहेंगे आँख बंद कीजिए और ऐसा सोचिए कि आप किसी समंदर के किनारे हैं और आपको लहरों की आवाज़ आ रही है, पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है, और अपने पैदा करने वाले को आप याद कीजिए। ये तो इस्लाम ने पहले से हमको बताया है कि अल्लाह की याद से इत्मीनान होता है। क्यों? इसलिए कि इंसान कमज़ोर है, कमज़ोर जब ताकतवर के बारे में सोचता है कि वो मेरे साथ है तो उसको सुकून मिलता है। एक गरीब आदमी को अगर कोई कमिश्नर कहे तुम रहो, कोई तकलीफ देगा हमको बोलो, वो आदमी सुकून से सो सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको। क्यों? उसका किसी और पर भरोसा, उसको मालूम मेरे पीछे ये है। इंसान अकेला कमजोर है, उसको कोई चाहिए जो ताकतवर है। जब अल्लाह को याद करता है तो उसको सुकून मिलता है, हाँ कोई है, मैं सो रहा हूँ लेकिन कोई है जो जाग रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेगा, सॉल्व कर सकता है। तो अल्लाह की याद आदमी को सुकून देती है। अल्लाह ताला फरमाता है الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान होता है, अल्लाह को याद करने से उनको इत्मीनान मिलता है। और अल्लाह ने फरमाया अला بذكر الله تطمئن القلوب, खबरदार याद रखो अच्छी तरह से कि अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। मालूम ये हुआ, आप देखिए वेस्टर्न कल्चर में, वहां कंट्रीज में क्या नहीं है, बटन दबाओ सब कुछ है, सुकून का कोई बटन बनाया हुआ आज तक है? बटन दबाओ सुकून मिलता है, कोई बटन नहीं बना सके आज। हाँ नींद की गोलियां बना सकते वो लोग, अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बटन नहीं बना सके बटन दबाओ खुश हो जाओ, ऐसा कोई बटन है बटन दबाओ और सुकून पाओ, ऐसा कोई बटन नहीं है। वो अंदर से आता है, वो ऊपर से आता है। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये दूसरी चीज है अल्लाह को याद करना।